तो इसमें मैंने प्लेलिस्ट में सारा वो डाल दिया था अपना कंटेंट, ठीक है, सारा अपडेटेड है इसमें 11th का। और क्योंकि ज़्यादातर कोर्स जो 12th का भी है, काफ़ी ज़्यादा रिवीजन कोर्स है, तो ज़्यादातर चीज़ें 11th की हैं इसमें, जो मैंने कोर्स देखा है अभी तक, सिलेबस देखा है, 30% ऑफ द कंटेंट जो है, जो हम कोर्स कवर करेंगे वो 11th का ही होगा, 12th में भी। तो अगर कुछ भी कुछ समझ ना आ रहा हो किसी भी चीज़ में, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी अटक जाओ, तो फिर ये वाली वीडियोस है, ये प्लेलिस्ट है ही, तो ये देख लेना, और जो भी 11th में आए उनके साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। और 12th के लिए तो है ही, तो दोनों के लिए ही, और आगे जो भी वीडियोस बनेगी तो मैं इसी में कंटिन्यू करके आगे डाल दूंगा, ताकि दिक्कत ना आए, कुछ भी तुम्हें रेफरेंस करना हुआ तो इसी प्लेलिस्ट से कर लेना, ठीक है। तो आज हम ये फंक्शंस कवर करने वाले हैं। फंक्शंस का बेसिक हम कवर कर चुके थे 11th में, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें ऐड हो गया 12th में फंक्शंस का। जो हम फंक्शन जो स्टार्टिंग में ही किया था हमने, डेफ मेन, वो जो मेन होता है वो फंक्शन ही होता है एक, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या टर्म्स है इसमें, जो हमें दे रखा है सिलेबस में। तो फंक्शन ये कह रहा है कि क्या है, फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। तो एक सब प्रोग्राम है, जैसे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको मैंने एक लाइन, कुछ लाइंस ऑफ कोड को अलग लिख दिया मैंने, ठीक है, एक सब सब प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, एक छोटे प्रोग्राम में। और ये कुछ हम इसमें डेटा डेटा के ऊपर ही एक्ट करता है, और कुछ ही रिटर्न करता है। जैसे कि हमने एक एडिशन वाला फंक्शन है, एडिशन वाला फंक्शन क्या करता है, वो दो वेरिएबल्स को लेगा, दो इनपुट को लेगा, जो जिनको तुम्हें ऐड करना है, और वो रिटर्न कर देगा उनका सम, जो भी तो सम कंप्यूट होगा वो उसमें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये एक और डेफिनेशन दी है कि फंक्शन इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट, मतलब कि बहुत सारी प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती है, तो उनको एक साथ हम जब एक ग्रुप कर देते हैं एक जगह पे, उसको एक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये लिखा है कि इस यूनिट को, इस फंक्शन को, इस सब प्रोग्राम को हम इन्वोक कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं दूसरी जगह से, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से ही समझते हैं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब लॉजिकली है इसमें, ठीक है। जैसे मैथ्स का ऐड का फंक्शन होता है वैसे ही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि क्यूब ऑफ गिवन नंबर, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमें एक क्यूब ऑफ गिवन नंबर कैलकुलेट करना और वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अपना पहला वो करूँ, फंक्शंस डॉट पाई, ठीक है, तो ये वाली मैंने इसके अंदर डाल दिया, इस फोल्डर के अंदर, क्लास 12th कोड्स के अंदर फंक्शंस डॉट पाई, ठीक है। तो जब मैं अपना गिटहब वाला लिंक शेयर करूँगा जिसमें कोड होंगे, तो यही सेम फोल्डर बन जाएगा, क्लास 12th कोड, और इसके अंदर हमारा फंक्शंस डॉट पाई होगा, जो हमारा लेक्चर वन होगा। इसको मैं सही करने के लिए फंक्शंस वन ही कर देता हूँ, ताकि रेफरेंस कर पाओ कि ये फर्स्ट लेक्चर है फंक्शंस का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है, पाइथन में जब भी फंक्शन बनाते हैं तो ये कीवर्ड डेफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन का नाम देते हैं, तो हमें क्यूब कैलकुलेट करना है, तो नेमिंग हमारी बहुत वैसी होनी चाहिए कि दूसरा बंदा जो पढ़ रहा हो कोड को, वो भी समझ सके कि भाई ये फंक्शन करना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे ये हमने डेफ लिखा, डेफ कीवर्ड, उसके बाद मैंने नाम दूंगा कि क्यूब कंप्यूट, कि वही क्यूब कंप्यूट कर रहा है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, लेकिन इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी जाता है हमारा। आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा हमारा, तो इसमें मैंने अपना फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद उसका नाम दिया फंक्शन का, कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक क्यूब कंप्यूट कर रहे हैं नंबर का, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट लेगा कि भाई ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेगा जिसका ये क्यूब कंप्यूट करेगा। मान ले एक्स, इसने आर्ग्यूमेंट ले लिया, ठीक है, कि इसका ये क्यूब कंप्यूट करेगा। अब हमें पता है कि क्यूब कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये रिटर्न करेगा, क्या ये रिटर्न करेगा, ये इसका क्यूब रिटर्न करेगा। और हमें पता है कि जब भी हमें पावर वाली चीज़ करनी होती है पाइथन में, तो ये दो दो स्टार के सिंबल हमें लगाने होते हैं उसमें, तो ये क्या करेगा, एक्स, और इस स्टार स्टार का मतलब है उसकी पावर, और 3 कर देगा, ठीक है। यानी कि इसने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी एक्स की पावर 3, और उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। बट ये फंक्शन अभी तक हमने कॉल नहीं करा है, ठीक है, अभी तक ये खाली एक फंक्शन बना दिया, एक सेट ऑफ प्रोग्राम बना दिया हमने, जिसमें कुछ लाइंस ऑफ कोड है, लेकिन इसको कॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसको चलाना है तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करेंगे, इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, और इसके अंदर कुछ पास कर दिया जिसका हमें क्यूब निकालना है। तो मान लो मेरे को जैसे 2 का क्यूब निकालना है, तो मैं यहाँ पे 2 2 यहाँ पे पास कर दूंगा। अभी क्या करेगा, ये हमें रिटर्न कर देगा, यहाँ ये 2
ये टू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट गया, यहाँ पे एज अ पैरामीटर चले जाएगा इस फंक्शन में, 2 की पावर 3 ये कैलकुलेट करेगा और इसमें रिटर्न कर देगा। तो अगर ये रिटर्न कर रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें यहाँ पे सेव करनी पड़ेगी। इस चीज़ ने रिटर्न करी वैल्यू, लेकिन इसको हमें सेव करना पड़ेगा, वरना तो ये मेमोरी से ही उठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि क्यूब ऑफ नंबर, एक वेरिएबल का नाम दिया मैंने, और उसमें स्टोर करा दिया हमने कि जो भी ये क्यूब कंप्यूट करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल, जो भी इसका आउटपुट आएगा यानी कि 2 की पावर 3, वो मैं इसमें सेव कर लूँगा अपना क्यूब अंडरस्कोर एनओ में। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा पाइथन का, क्यूब ऑफ अ नंबर इज, और इसमें हमारा प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है पाइथन में जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद प्लस करके मैं क्यूब ऑफ नंबर इस वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि क्यूब रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे इसको कॉल कर दिया 2 आर्ग्यूमेंट देके, 2 आर्ग्यूमेंट देगा, यहाँ पे कैलकुलेट होगी वैल्यू 2 की पावर 3, और यहाँ पे सेव हो जाएगी 8। अभी 8 को हमें प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट फंक्शन लगा देंगे पाइथन का, क्यूब ऑफ नम, ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी, उसके साथ साथ ये जो भी 8 कंप्यूट हुआ है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम जाते हैं अपना, यहाँ पे मैंने कोड लिखे हैं 12th वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को रन करना है। अब वो जो प्रोग्राम का नाम है वो मेरे को देखना पड़ेगा, python functions1.py। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, ये है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और इसमें पाइथन टाइप करूँगा, और अपना जो है हमारा नाम है जो भी इसका, वो मैं टाइप कर दूँगा functions1.py, और ये रन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि इसका आउटपुट जो है, ये कह रहा है इसमें एरर आया है line 5 पे, line 5 कहाँ है इसमें, इसमें line 5 यहाँ पे है, वो ये कह रहा है कैन ओनली concatenate स्ट्रिंग, इंट नहीं कर सकता। concatenate हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में, वो होता है कि तुम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हो। अब वो कह रहा है कि वो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के साथ concatenate कर सकता है, कैन ओनली concatenate स्ट्रिंग, इंट को नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, इसका जो वो होगा, जो भी इसका वो ये होगा डेटा टाइप, ये क्योंकि इंट है, क्योंकि इसने इंट रिटर्न किया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। और अब ये प्लस जो है कॉन्कैटिनेट, अब ये वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि ये अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये प्लस ऑपरेटर काम करने लग जाएगा। तो एक बार फिर से चला के देखता हूँ मैं ये कोड, तो अब एकदम सही आ गया जो हमने सोचा था। इसने क्या किया, सबसे पहले तो इस फंक्शन को कॉल किया, 2 को भेजा इसने कंप्यूट करके, इसने 8 वैल्यू अपनी कंप्यूट करी और रिटर्न कर दिया। रिटर्न करी इसने कहाँ सेव करी, हमारे मेन ने, हमने क्यूब अंडरस्कोर एनओ वेरिएबल बनाया, यहाँ इसने सेव कर लिया। और फिर इसको यूज़ करना तो हमारे ऊपर, हम कैसे भी यूज़ करें, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं अभी, इसको प्रिंट करा रहे हैं, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं, साथ ही साथ हम एक उसको जो भी क्यूब नंबर आया, हमने देखा कि डायरेक्ट हम इसको कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, तो एक टाइप कास्टिंग कर दी हमने, जिसमें हमने स्ट्रिंग बाहर लगा दिया, तो ये टाइप कास्ट हो गया, ये इसका टाइप चेंज हो गया, इंटीजर से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ये, और ये यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गया, और इसने आउटपुट दे दिया हमें। ठीक है, तो इसको समरी करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई ये एक फंक्शन बनाया हमने, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका काम क्या था, क्यूब कंप्यूट करना, तो इसका नाम मैंने यूज़र फ्रेंडली रख दिया, ताकि कोई भी दूसरा बंदा पढ़ रहा हो तो उसे समझ आ जाएगी ये क्या कर रहा है फंक्शन। उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट रख दिया हमने कि एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है x, और फिर रिटर्न कर दिया x की पावर 3। ठीक है, तो ये फंक्शन को डिफाइन किया हमने, लेकिन डिफाइन करने से कुछ नहीं होता, उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया, कॉलिंग अ फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, क्यूब कंप्यूट को कॉल किया, और यहाँ पे उसमें 2 पास कर दिया, उसने पास किया कंप्यूट करके 8 दे दिया, यहाँ पे सेव करा लिया, और इसको हमने यूज़ कर दिया और प्रिंट कर दिया। इसका यूज़ हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने प्रिंट किया। ठीक है, वो हमारे ऊपर, हमें क्या करना है इसके बाद क्यूब नंबर को। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है, इस वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया, रिटर्न वाली चीज़ को हटा दिया। तो इस जो हमने फंक्शन डेफिनेशन दी थी, पहले हम रिटर्न कर रहे थे कुछ, लेकिन इस बार हम खाली प्रिंट करा रहे हैं। तो रिटर्न का मतलब यही होता है कि तुम रिटर्न करो, ये कुछ भी कंप्यूटेशन करो, रिटर्न करो, और यहाँ पे वो आ जाती है। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको कॉल किया और 2 पास कर दिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ये लिखा है कि ये क्या करेगा, 2 की पावर 3 जो भी यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 आया,
तो 2 की पावर 3 को कंप्यूट करेगा और उसको प्रिंट कर देगा, तो हमें रिटर्न करने की जब ज़रूरत नहीं है, जब हमें इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, जब हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए, हमें खाली एक कुछ सेट ऑफ कमांड्स कराना है उससे, कुछ भी रिटर्न करके हमें कुछ यहाँ पे सेव नहीं कराना, तो हम रिटर्न की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, कुछ भी वहीं पे कर सकते हैं। रिटर्न का पर्पस यही है कि जब भी हमें यहाँ से इस वाले डेफिनेशन से हमें यहाँ पे भेजना हो अपने मेन में, तभी हम रिटर्न लिखते हैं यहाँ पे, वरना रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं होती है सर। जब भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा तब हम रिटर्न कराएंगे यहाँ से, ठीक है। इस केस में हमने ये देखा कि हमने भेज दिया और वहाँ पे खाली प्रिंट हो गया, हमने यहाँ पे कुछ रेफरेंस नहीं है उस चीज़ की, जो भी उसने कंप्यूट किया, जो आर्ट कंप्यूट किया, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं मैं ले ही नहीं सकता उसको, ठीक है, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं हो रहा उस फंक्शन से, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पे रिटर्न डालना पड़ेगा और यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव कराना पड़ेगा जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो सेकंड प्रोग्राम देखते हैं, सेकंड प्रोग्राम में क्या है, हमें दो नंबर है, दो नंबर को ऐड करना है फंक्शन से, ठीक है। तो जो अभी हमने किया उसी को यूज़ करना है, उसी कॉन्सेप्ट को, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P2, इसमें क्या करना है हमें, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, ये हमारा P2 हो गया। हमें करना क्या है, दो नंबर लेने हैं और उनको ऐड करना है और फंक्शन के थ्रू वो प्रोग्राम लिखना हमें, ठीक है। तो हमें पता है किसी भी फंक्शन को डेफ से स्टार्ट करते हैं, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें दो नंबर हैं तो मैं क्या करूँगा, हमें मेरे को समझ आ गया कि दो आर्ग्यूमेंट मेरे को पास करानी पड़ेगी, ये मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है, डेफ ऐड num1 num2। बहुत आसान सा है इसका, क्या फंक्शन है हमें बस दोनों को ऐड करके उसको रिटर्न कर देना। तो ऐड करने का पाइथन का बहुत आसान सा फंड है, num1 plus num2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया जो कि ऐड कर रहा है, लेकिन इसका कुछ यूज़ नहीं है, ये हमारा क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, इसका कुछ यूज़ नहीं है अभी तक, क्योंकि ये कहीं कॉल नहीं हो रहा, कोई इसका यूज़ नहीं कर रहा, प्रोग्रामर कहीं यूज़ नहीं कर रहा इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले में हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, सम नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सम ऑलरेडी पाइथन में कुछ इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये देखिए ये ना ब्लू में कलर हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको सम ऑफ एनोस कर देते हैं, ये एक वेरिएबल हो गया, कलर चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको मैं कॉल करूँगा, सेम नाम लिख दूंगा मैं और कुछ भी पास कर दूंगा, जैसे 2, 3 मैंने पास कर दिया, ठीक है। फिर मैं प्रिंट कर दूंगा कि सम ऑफ नंबर्स इज, ठीक है। इसके बाद मेरे को वेरिएबल वाला करना है, और हमने ये देखा था क्योंकि ये जो रिटर्न करेगा, ये जो फंक्शन जो ये रिटर्न करेगा वो इनका सम करेगा, वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इसका, सम ऑफ नंबर्स का जो टाइप होगा वो इंटीजर होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ नंबर्स इज, अब वो डायरेक्टली हम कॉन्कैटिनेट तो कर नहीं सकते जैसे हमने पहले देखा, तो हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे str फंक्शन के थ्रू। str फंक्शन में क्या पास कर दूंगा मैं, सम ऑफ नंबर्स पास कर दूंगा, और यहाँ पे ये टाइप कास्ट हो जाएगा, और ये इसके साथ फिर एलिजिबल होगा जुड़ने के लिए, कॉन्कैटिनेट होने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। ये मैं सेव कर देता हूँ, तो इसका आंसर ये आना चाहिए, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ पे उसको कॉल कर रहे हैं, 2, 3 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो यहाँ पे 5 आनी चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए इसका, सम ऑफ नंबर्स इज, और ये कॉन्कैटिनेट होके 5 आ जाना चाहिए। तो एक बार रन करके देखते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये खोल रखा है मैंने, ये मैंने रन किया, सम ऑफ नंबर्स इज 5, तो ये सही आउटपुट आ गया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आउटपुट आया, और आसान सा प्रोग्राम हमने कर लिया और समझ भी आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होता है। तो ये कह रहा है कि डेफिनेशन है, ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि वैल्यू जो पास होती है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, या फिर एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है, जो भी हम पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल में। तो अगर मैं कोड में दिखाऊं तो फंक्शन कॉल हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जो हम यहाँ पे पास करते हैं 2, 3 ये हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। अच्छा ठीक है, द वैल्यूज रिसीव्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन स्लैश हेडर, उनको पैरामीटर कहा जाता है। तो जो वैल्यू रिसीव होती है यहाँ पे num1 और num2 में, ठीक है, उनको हम कहते हैं पैरामीटर, या फिर
पैरामीटर कहते हैं, या फिर फॉर्मल पैरामीटर, या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी हमें, लेकिन आसान सा तरीका ये है कि जो भी हम पास कर रहे हैं, जो एक्चुअली हम पास कर रहे हैं वैल्यू, उनको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। जो भी ये रिसीव करेगा वैल्यू, जो भी यहाँ पे रिसीव कर रहा है नंबर वन और नंबर टू, इसके फॉर्म में वो पैरामीटर कही जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट लॉजिक यही है कि जो भी कॉल, जहाँ से कॉल हो रही है वो आर्ग्यूमेंट होता है, और जो रिसीव हो रही है फंक्शन डेफिनेशन में, उसको पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। वी कैन से दैट पाइथन रेफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास थ्रू फंक्शन कॉल, वही है, आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल में है और जो रिसीव हो रही है वो पैरामीटर, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं कि इसके टाइप्स होते हैं, जो भी हम आर्ग्यूमेंट जो हम भेजते हैं ना, यानी कि फंक्शन कॉल में जो भी हम भेज रहे हैं वैल्यू, तो उसके एक टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है लिटरल। लिटरल मतलब कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहे हैं हम। मैंने मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, 17 और 9, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ पास कर दी, ठीक है। अब वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई डी कॉमा 90, ठीक है। तो इसमें एक वेरिएबल मैंने पास कर दिया डी, यहाँ पे डी की वैल्यू कुछ हम इससे पहले असाइन कर देंगे कि भाई डी इक्वल टू 10 या डी इक्वल टू समथिंग, उसके बाद ही पास करेंगे ऐसे। मतलब कुछ भी वैल्यू अब बिना असाइन करे पास नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे उस डी को, यानी कि 10 या 20 या 30 जो भी असाइन कर देंगे, और फिर उसको पास कर देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसमें हमने एक वेरिएबल भेज दिया जो है डी, और एक लिटरल भेज दिया, कॉन्स्टेंट भेज दिया जो कि है 90। फिर तीसरा है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, इसी फंक्शन को कॉल किया मल्टीप्लाई को, और एक वेरिएबल भेज दिया हमने यहाँ पे, और दूसरे में एक एक्सप्रेशन भेज दिया जो कि है डी क्रॉस 10। डी क्रॉस 10 क्या करेगा, जैसे मान लो डी इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कराया इसको, तो तीसरा वाला हम देख रहे थे एक्सप्रेशन वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि डी है, ठीक है, ये पास कर रहे हैं पहले आर्ग्यूमेंट में, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में डी क्रॉस 10 कर। तो इसमें होगा क्या, मान लो मैंने डी को इनिशियलाइज कराया 10 से, तो यहाँ पे क्या पास होगा, मल्टीप्लाई 10 कॉमा 10 क्रॉस 10, यानी कि 100। तो 10 और 100 इसमें पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा है जो हमने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, उसके बाद नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, यहीं से समझ लेते हैं, कोड करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन है, मल्टीप्लाई की एक्स कॉमा वाई, खाली प्रिंट हो रहा है इसमें, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। रिटर्न नहीं होना यानी कि कुछ मतलब नीचे अगर जहाँ से हम कॉल करेंगे वहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि वो ऊपर ही प्रिंट करा दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे एक इनपुट ले लिया, इंटीजर हमने वो कर दिया, उसे कास्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने एक नंबर ले लिया, पासिंग आर्ग्यूमेंट एज लिटरल, इसमें फिर पास क्या किया हमने 9,8, तो इससे क्या होगा, प्रिंट 9 क्रॉस 8, यानी कि प्रिंट 72 हो जाएगा पहले केस में। फिर इसमें लिखा है प्रिंट वन, पासिंग वन वेरिएबल पी एंड वन लिटरल 800 एज दी आर्ग्यूमेंट। तो पी क्या है हमारा, पी यहाँ पे हमने एक इनपुट ले रखा है, तो जहाँ जो भी यूज़र इनपुट देगा, जो इस केस में हुआ 8, तो वो यहाँ पे 8 पास हो जाएगा और यहाँ पे 800 हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि जो आउटपुट आएगा यहाँ का वो आ जाएगा 8 × 800, यानी कि 6400 आ जाएगा। तो वही आउटपुट आया हमारा। फिर एक आया है कि प्रिंट पास वन वेरिएबल पी एंड वन एक्सप्रेशन पी क्रॉस स्टार, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पहले 8 पास हो जाएगा और फिर 8 × 10 हो जाएगा, यानी कि 8 और 80, तो इसका आंसर आ जाएगा 640। तो ठीक है, ये आंसर आ गया। तो बहुत आसान एग्जाम्पल था और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है।